हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दूसरा चैप्टर देखते हैं उत्तराखंड का इतिहास। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख साक्ष्य हमें किन किन स्थानों से मिलते हैं उन्हें देखेंगे। लाखू गुफा, यह खोजी गई थी 1968 में और यह अल्मोड़ा के बाड़ीचीना के पास सुयाल नदी के तट पर स्थित है। इस गुफा में मानव के नृत्य करते हुए तथा पशु पक्षियों के रंगीन चित्र प्राप्त होते हैं। ग्वारखे गुफा की बात करें तो चमोली के अलकनंदा नदी के किनारे पर डुगरी गाँव के पास में स्थित है और यहाँ पर मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त होते हैं। इसी तरह किमनी गांव में भी हमें चमोली के जो थराली के पास स्थित है वहाँ से हल्के सफ़ेद रंग से बने हथियार व पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त चमोली जिले के तिब्बत सीमा से लगे मलारी गांव में भी हमें 2002 में 6वीं शताब्दी पूर्व के नर कंकाल तथा मिट्टी के बर्तन, इसके अतिरिक्त जानवरों के अंग व 5.2 किलो का एक सोने का मुखौटा भी प्राप्त हुआ है और ये सभी अवशेष गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खोजे थे। इसके अतिरिक्त ल्युथाप अल्मोड़ा से प्राप्त शैलचित्रों में मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा के पेटसाल व पूनाकोट के मध्य कफ्फरकोट में कत्थई रंग का प्रयोग किए हुए शैलचित्र मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा के फलसीमा में योग व नृत्य करती मानव आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। हुडली उत्तरकाशी से भी हमें शैलचित्रों में नीले रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। बात करें कपमाक्स और शवगार की तो रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन शवगार व कपमाक्स प्राप्त हुए हैं। पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से हमें 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। आगे बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत हैं धार्मिक ग्रंथ, इस वजह से इसे पौराणिक काल भी कहा जाता है। यहाँ पर बहादुराबाद से प्राप्त ताम्र संचय तथा मलारी तथा रामगंगा घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस समय के लोगों के लोहे, तांबे आदि धातुओं तथा कृषि, पशुपालन तथा ग्रामीण नगरी सभ्यता से परिचित होने का हमें साक्ष्य मिलता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जहाँ पर उसे देवभूमि तथा मनीषियों से पूर्ण भूमि कहा गया है। इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में हिमालय को 5 हिमालयी खंडों में बांटा गया है। हिमालय क्षेत्र को, जिसमें नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर ये सभी आते हैं, जिनमें 2 खंड, इसमें मानसखंड और केदारखंड, इनका संबंध उत्तराखंड क्षेत्र से है। स्कंद पुराण में इसके अतिरिक्त माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड या गढ़वाल क्षेत्र कहा गया है और इसके अतिरिक्त नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड या कुमाऊं कहा गया है। यहाँ पर नंदा देवी पर्वत को कुमाऊं व गढ़वाल के विभाजक के रूप में जाना जा सकता है। मानसखंड व केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर व खसदेस आदि नामों से भी जाना जाता है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में इसे हेमवंत कहा गया है। बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र की तो गढ़वाल क्षेत्र को पूर्व में बद्रिकाश्रम, तपभूमि, स्वर्गभूमि, केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। कालांतर में 1515 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र के सभी 52 गणों को पवार शासक अजयपाल द्वारा विजित कर लेने के कारण इसे गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के अनुसार प्रलय होने के बाद प्राणा नामक ग्राम से ही पुनः सृष्टि आरंभ हुई थी। यहीं पर स्थित अलकापुरी, जिसे कुबेर की राजधानी भी कहा जाता है, अलकापुरी नामक स्थान को मनु का निवास स्थान माना जाता है। ऋग्वेद में जो सप्त सिंधु क्षेत्र वर्णित है वो वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बद्रीनाथ के पास जो गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफाएं हैं वहाँ पर वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी, इस प्रकार से माना जाता है। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी है हिमयान पट्टी, वहाँ पर विसून पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ का आश्रम है और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ ऋषि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यहीं पर निवास किया था। गढ़वाल के देवप्रयाग की शीतोष्णु पट्टी में माता सीता पृथ्वी में समाई थी। यहाँ पर मंदसार में प्रतिवर्ष आज भी मेला लगता है। यहीं भगवान राम का एक मंदिर भी है जहाँ पर भगवान राम ने अंतिम समय में अपनी तपस्या की थी। इसके अतिरिक्त टिहरी गढ़वाल जिले में तपोवन नामक स्थान पर भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने तपस्या की थी। बाणासुर का राज्य भी गढ़वाल क्षेत्र में ही था और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ थी। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ यानी भृंगतुंग तक की यात्रा में पड़ने वाले स्थान जो हैं उनका वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ तथा लोमश ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का भी उल्लेख मिलता है और ऐसा मान्यता है कि यहीं से पांडव स्वर्गलोक गए थे। आगे बात करें तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार इस क्षेत्र में पुलिंद, जो कुलिंद नाम से भी जाने जाते हैं, उन शासकों व किरात जातियों का निवास था। पुलिंद वंश के राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी और इन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त वन पर्व में राजा विराट का भी उल्लेख किया गया है, जिनकी राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी नामक स्थान पर थी और इन्हीं की पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। आगे बात करें तो प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कर्वाश्रम नामक दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, जिनमें से कर्वाश्रम जो है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण और सम्राट भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, उनके नाम पर प्रसिद्ध है।
इसके अतिरिक्त महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी मालिनी नदी के तट पर इसी कण्वाश्रम में की थी। वर्तमान में इस स्थान को चौकाघाट कहा जाता है। कहीं कहीं पर धार्मिक ग्रंथों में केदार खस मंडले शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे यह माना जाता है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोगों का बहुत अधिक प्रभाव रहा होगा और यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की, तो चंपावत के पास कच्छप की पीठी आकृति वाले कांतेश्वर पर्वत या कांडादेव या कांदेव नाम से भी इसे जाना जाता है, भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार हुआ माना जाता है। इस पर्वत के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम कूर्मांचल पड़ा था, जो कालांतर में कूर्मू जो प्राकृत भाषा का शब्द है और हिंदी में ये कुमाऊं हो गया। आगे बात करें तो कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। यहाँ पर किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग, कुलिंद, खस आदि जातियाँ निवास करती थी, ऐसा ब्रह्म पुराण, महाभारत और वायु पुराण में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जाखन देवी मंदिर जो अल्मोड़ा में है वहाँ पर यक्षों के निवास का प्रमाण मिलता है, और बेनी नाग जो पिथौरागढ़ में है, इसके अतिरिक्त धौल नाग, काली नाग, पिंगल नाग, बासुकी नाग आदि मंदिरों से नाग जाति के लोगों के निवास की भी पुष्टि होती है। आगे बात करें तो किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट व डोडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं और इनकी भाषा मुंडा भाषा है। प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो 257 ईस्वी पूर्व में कालसी में टोंस व यमुना के संगम पर अशोक ने जो राज्य की उसके राज्य की उत्तरी सीमा थी वहाँ पर एक अभिलेख स्थापित कराया था। यह प्राकृतिक भाषा व ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक ने इस लेख में घोषणा की थी कि राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई है और लोगों से यहाँ पर हिंसा को त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात की गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद व इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग इसने किया है। आगे बात करें तो देहरादून के जौनसार बाबर में जो लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है, यहाँ पर यमुना नदी की घाटी में यादवों के निवास के विषय में बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य लेखों की बात करते हैं, गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला के लेख हमें मंदिर की भीतरी दीवारों से तथा देवप्रयाग में वामन गुहा व कल्पनाथ में गुफाओं की दीवारों पर हमें लेख प्राप्त हुए हैं तथा नैनीताल तथा बाड़वाला देहरादून से ईंटों पर लिखे हमें उत्कीर्ण लेख प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में त्रिशूल लेख में दो राजाओं जिनमें नागपति नाग है जो 6वीं-7वीं सदी में व अशोक चल जो 12वीं सदी के आसपास के लेख हैं वह हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त त्रिशूल लेख हमें बाड़ाहाट से भी प्राप्त हुए हैं। मुनि की रेती तथा सुमाणी से हमें पहली व दूसरी सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ आदि स्थानों से हमें कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इसी क्षेत्र के प्राचीनकालीन लेखों में हमें पल्ली का अर्थात छोटी ग्राम, ग्राम, पट्टी व परगना सहित अनेक इकाइयों व महत्तम यानी ग्राम शासक, भृत्य यानी सेवक, प्रतिहार यानी द्वार रक्षक, गुप्त यानी रक्षक, कोट्टपाल यानी गढ़ रक्षक, बलाध्यक्ष यानी सेनानायक, महादंड नायक यानी प्रधान सेनापति, अक्षपटलिक यानी लेखा परीक्षक, कुलचारिक यानी तहसीलदार आदि पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इस बात से यह साबित होता है कि यहाँ पर एक संगठित प्रशासन था। आगे देखते हैं प्राचीन काल में कुलिंद शासक, तो यह उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति मानी जाती है। इसने 3री से 4थी ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। देहरादून के पास यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस अभिलेख से ऐसा लगता है कि प्रारंभ में कुलिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। आगे देखते हैं प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टॉलेमी के अनुसार कुलिंद लोग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में व्यास और गंगा के ऊपरी क्षेत्रों में फैले हुए थे। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति। इसकी रजत और ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुने तथा बेहद तक प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी तथा मृग का अंकन तथा प्राकृत में राज्ञः कुलिंदस्य अमोघभूतिस् महारजस् अंकित किया गया है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। कुमाऊनी क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित कटारमल का सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा से प्राप्त कुलिंद मुद्राओं का आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित हैं। शकों के बाद प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। वीरभद्र जो ऋषिकेश में है, मोरध्वज जो गुरुद्वार के पास स्थित है तथा गोविषाण जो काशीपुर उधमसिंह नगर में है, यहाँ से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाणों के पतन के समय यहाँ कुछ नए राजवंश जैसे गोविषाण काशीपुर में, कालसी व लाखामंडल देहरादून में स्थापित हुए तथा साथ ही कुलिंदों ने भी यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर शासन किया था।
कुरिंदों के समकालीन यौधेय शासकों की मुद्राएं चौनसार बाबर देहरादून तथा कालों का डांडा पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त हुई हैं, जो कि उनके शासन की पुष्टि करती हैं। कुषाणों को कुचलने में यौधेयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण शीलवर्मन नाम के राजा ने कराया था। शीलवर्मन को कुछ विद्वान कुरिंद व कुछ विद्वान यौधेय मानते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कुरिंद लोगों ने कर्तृपुर राज्य की स्थापना की थी, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कर्तृपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तृपुर के कुरिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के कारण मौखरी राज्य उसके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। हर्षवर्धन द्वारा यहाँ पर एक पर्वती राजकुमारी से विवाह किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन किया गया है। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के पुलही मोपिलो यानी ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और यह हर्ष के अधीन था। उसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का भी उल्लेख किया है। आगे देखते हैं, हरिद्वार के बारे में ह्वेनसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नाम का नगर है, जो लगभग 20 ली यहाँ पर चीनी माप है, इसके घेरे में है। अंग्रेजी इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे और ये सैन्य शक्ति के अभाव में इन राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे गढ़ों का निर्माण कर लिया। इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण आदि प्रमुख थे, जिनमें सबसे बड़ा था ब्रह्मपुर। 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। इन वंश के प्रमुख शासकों में थे विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन तथा विष्णुवर्मन द्वितीय। इस विघटन काल में उत्तराखंड पर कई बाह्य आक्रमण भी हुए थे। चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर तथा तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। आगे देखते हैं कार्तिकीय पुरिया कत्यूरी वंश। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की समाप्ति हुई थी 700 ईस्वी में, जब यहाँ पर कार्तिकीय पुर राजवंश की स्थापना हुई। शुरू से लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी जोशीमठ, जो चमोली में स्थित है, वहां पर रही थी, कार्तिकीयपुर नामक स्थान पर। बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के वैजनाथ यानी बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई थी। इस कारण से यह कत्यूरी वंश कहलाए थे, क्योंकि यह कत्यूर घाटी के वैजनाथ नामक स्थान पर बनाई गई थी। सन 700 ईस्वी से लगभग 1030 ईस्वी तक इस राजवंश के 3 से अधिक शासकों के परिवारों ने शासन किया था। इस राजवंश का इतिहास इनके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर तथा बैजनाथ में स्थित कुटिला लिपि में लिखे ताम्रपत्रों के आधार पर लिखा गया है। आगे बात करते हैं, प्रमाणिक साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को उत्तराखंड यानी कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अंग्रेजी इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत कैलाश, पश्चिम में सतलुज, पूर्व में गंडकी व दक्षिण में कठीर यानी रुहेलखंड तक फैली हुई थी। बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा था बसंतन देव। वह परम भट्टारक व महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। उसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। बागेश्वर लेख में राजा बसंतन देव के बाद के शासकों का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद खरपर देव के नाम का उल्लेख है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राज्य तरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। तो संभवतः इसी समय खरपर देव ने कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना की थी। राजा खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। इसके पश्चात इसका पुत्र कल्याण राज शासक बना। इसकी पत्नी का नाम था महारानी लद्दा देवी। खरपर देव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। इसने भी परम भट्टारक व महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। त्रिभुवन राज द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने व व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर में भूमिदान के बारे में बागेश्वर लेख में लिखा गया है। नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा की गई है। संभवतः इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर राज्य में खरपर देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई।
निम्बर ने पालों के साथ संधि की तथा निम्बर शैव मत का अनुयायी था। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगणदेव शासक बना। कार्तिकेयपुर राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। यह भी उसके पिता की भांति शैव था और जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज के मंदिरों का निर्माण कराया था। इष्टगणदेव के बाद उसका पुत्र ललित सूरदेव शासक बना। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे वाराहावतार के समान बताया गया है। इसके अतिरिक्त बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्र लेखों के अनुसार शिलोरादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने शिलोरादित्य वंश की स्थापना की थी। इच्छरदेव के बाद इस वंश में क्रमशः देसदेव, पद्मदेव और सुमिक्ष राजदेव आदि शासक हुए थे। आगे चलकर कत्यूरी घाटी में आसंति देव के द्वारा आसंति देव वंश की स्थापना की गई थी। इस वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव, जो एक अत्याचारी व कामुक शासक माना जाता है और प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। जागरों में इसे वीरम देव या वीरदेव कहा जाता है। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मूलतः अयोध्या के थे। राजा शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। इन राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकीय थे। कुमाऊं की जनता भी कार्तिकीय को अपना लोक देवता मानती है। कार्तिकीय वंशीय राजाओं के लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान के साथ साथ ही सूर्य अस्त हो गया था और रात्रि हो गई थी। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुरी राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं और ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से भूषित थे। इन राजाओं की राजभाषा संस्कृत व लोकभाषा पाली थी। इनका राज्य धर्म राज्य था। इन राजाओं ने लोकोपयोगी बहुत से कार्य किए थे और इनका राज्य प्रबंधन उच्च कोटि का था तथा पुलों व सड़कों की भी यहाँ पर उत्तम व्यवस्था की गई थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी क्रम में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का भी पुनरुद्धार कराया गया था और इन्होंने ज्योतिर्मठ की यहाँ पर स्थापना की थी। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। आगे देखते हैं मध्यकाल में कुमाऊं में चंद राजवंश। तो कुमाऊं में चंद राजवंश कत्यूरी वंश के बाद यहाँ पर सोमचंद के द्वारा 1020 ईस्वी से 1025 के मध्य चंद वंश की स्थापना की गई थी। सोमचंद के बाद उसका पुत्र आत्मचंद गद्दी पर बैठा। आत्मचंद के बाद क्रमशः पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद, वीरचंद, नरचंद, थोहरचंद, त्रिलोकचंद, उमरचंद, धर्मचंद, अभयचंद, कर्मचंद, ज्ञानचंद, हरिहरचंद, द्वानचंद, आत्मचंद, हरिचंद, विक्रमचंद, धर्मचंद, भारतीचंद, रत्नचंद, कीर्तिचंद, प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद, कल्याणचंद, पूर्णचंद, भीष्मचंद, रुद्रचंद, बालो कल्याणचंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, त्रिमलचंद, दिलीपचंद, बाजबहादुरचंद, उद्योगचंद, ज्ञानचंद, जगतचंद, देवीचंद, अजीतचंद, कल्याणचंद, दीपचंद, मोहनचंद, शिवचंद व महेंद्रचंद आदि ने शासन किया था। प्रारंभ में इस राज्य में केवल राजधानी चंपावत के आसपास का ही क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन बाद में चंद शासकों ने वर्तमान नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा नेपाल के भी कुछ हिस्सों को अपने राज्य के अधीन कर लिया था। इंद्रचंद ने रेशम व रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का कार्य शुरू कराया था। सन 1191 ईस्वी के बाद नेपाल के यानी डोटी के 44 नामांत के राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया था। इस अधीनता से मुक्ति चंद शासक भारती चंद ने नेपाल पर आक्रमण करके दिलाई थी और यह पहला चंद राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था, यानी भारती चंद। ज्ञानचंद वह पहला चंद शासक था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में यह भेंट लेकर गया था और सुल्तान ने इसे गरुड़ की उपाधि दी और ये तब से गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया था। बालो कल्याणचंद ने मड़कोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिला दिया था और इसकी राजधानी चंपावत से इसने अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दी थी। रुद्रचंद अकबर के समकालीन राजा था और इसने तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी और अल्मोड़ा का मल्ला महल भी इसी ने बनवाया था। लक्ष्मीचंद चंद राजाओं में इसने बंदोबस्त का कार्यालय न्योवाली व विष्टाली कचहरियाँ खुलवाई थी। राज्य कर्मचारियों के लिए इसने श्रेणियाँ बनवाई तथा अनेक प्रकार के करों का सृजन किया। इसी ने बड़े बड़े बगीचे बनवाए और मंदिरों का भी जीर्णोद्धार कराया था लक्ष्मीचंद ने। इसके अतिरिक्त विमल चंद को शाहजहाँ ने बहादुर व जमींदार की उपाधि दी थी। थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया नौला दीवाल का निर्माण बाज बहादुर चंद द्वारा करवाया गया था। चंद राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा राजा था उद्योगचंद। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना भी ज्ञानचंद ने कराई थी। जगतचंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। कल्याणचंद ने नेपाल में चौमहला महल बनवाया था। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है।
1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन चंद राजा महेंद्र चंद को हवालाबाग के एक साधारण से युद्ध में पराजित कर समस्त कुमाऊं क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था और यहीं से चंद राजवंश का अंत हो गया था। चंद राजा रुद्रचंद ने त्रैवेणिक धर्म निर्णय, उषा रुद्र गोदया तथा राजा रूपचंद ने पक्षी आखेट पर कला शैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था और यह वहाँ के सिक्कों, मुहरों व झंडों पर अंकित किया जाता था। चंद राजा शिव के उपासक थे। उन्होंने देवी शिव, सूर्य, गणेश व विष्णु के कई मंदिर बनवाए थे। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर भी चंदों ने ही बनवाया था। चंद राजाओं के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई थी। इस समय संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में उन्नति के अनेक कार्य किए गए थे। आगे देखते हैं कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किले। खगमरा किला अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित, इस किले का निर्माण राजा भीष्मचंद द्वारा करवाया गया था। लाल मंडी किला अल्मोड़ा के पल्टन बाजार स्थित छावनी के भीतर, इस किले को 1563 में राजा कल्याण चंद ने बनवाया था। इसे फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। मल्ला महल किला अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित, इस किले में वर्तमान कचहरी, जिलाधीश का कार्यालय व अन्य कई सरकारी दफ्तर हैं। इसे चंदवंशीय राजा रुद्रचंद ने बनवाया था। राजभूंगा किला चंपावत में स्थित है और इस किले को चंदवंशीय राजा सोमचंद ने बनवाया था। नैथणा का किला अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ाई चढ़ाई पर नैथणा मंदिर देवी के नज़दीक है। इसे गोरखाकालीन किला माना जाता है। इसके अतिरिक्त सिरमोही किला तहसील लोहाघाट में स्थित है और ग्राम सिरमोली में यह स्थित है। बाणासुर के किले की बात करें तो यह चंपावत जिले में लोहाघाट देवीधुरा मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और एक चोटी पर स्थित है। इस किले की लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बाणासुर नामक दैत्य राजा ने कराया था और स्थानीय भाषा में इसे मारकोट कहा जाता है। गुल्ला चौड़ का किला यह प्राचीन किला चंपावत में है और इसे राजा गोलिल ने बनवाया था। आगे बात करते हैं गढ़वाल पर परमार वंश। 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे मोटे 52 ठकुरी राजाओं का शासन रहा था। सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने छोटे छोटे किले स्थापित कर लिए थे। इनमें सबसे शक्तिशाली था चाँदपुरगढ़ का राजा भानु प्रताप। 887 ईस्वी में धार यानी गुजरात का शासक कनकपाल तीर्थाटन के लिए यहाँ पर आया था। भानु प्रताप ने कनकपाल का बहुत स्वागत किया और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया था। इसी कनकपाल के द्वारा 888 ईस्वी में चाँदपुरगढ़ यानी चमोली में परमार वंश की नींव पड़ी थी और 888 ईस्वी से अगस्त 1949 तक परमार वंश के करीब यानी पवार वंश के करीब 60 राजाओं ने शासन किया था। इस वंश के आरंभिक शासक कार्तिकेयपुरी राजाओं के सामंत रहे थे, लेकिन 10वीं से 11वीं सदी के आसपास ये एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए थे। इस वंश के 37वें राजा अजयपाल ने अपने भुजबल से पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए सभी गढ़पतियों को जीत लिया था और गढ़भूमि का एकीकरण किया था। इसने अपनी राजधानी को पहले देवलगढ़ तथा 1517 में श्रीनगर में स्थापित किया। इसी ने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था। लोग कहते हैं कि परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि से नवाजा था। सबसे पहले बलभद्र शाह नामक परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि को जोड़ा, तभी से यह परंपरा के रूप में हो गया था। गढ़वाल राज्य में हिमाचल प्रदेश के थ्योग, मथन, रवाईगढ़, डोडरा क्वार व रामीगढ़ आदि क्षेत्र सम्मिलित थे। 1635 में मुगल शासक शाहजहाँ के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला किया। उस समय अवयस्क पृथ्वीपति शाह सहित गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने अपनी वीरता व सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़वा कर उनके नाक कटवा दिए थे। इस घटना के बाद महारानी कर्णावती को नकटी रानी के नाम से जाना जाने लगा। परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिखो के पुत्र सुलेमान शिखो को अपने यहाँ आश्रय दिया था। गढ़वाल नरेश महान शाह और महीपति शाह ने अपने अपने समय के तिब्बती हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया था और इन हमलों में परमार लड़ाकों जिनमें माधव सिंह भंडारी और लोधी रिखोला जैसे नाम हैं, इन्होंने अपूर्व वीरता का परिचय दिया था। 1790 में कुमाऊं के चंदों को पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार करने के बाद गोरखों ने 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था, लेकिन लंगूड़गढ़ नामक स्थान पर पराजित हुए थे। गढ़वाल के राजा ने राज्य को पुनः गोरखों के आक्रमण से बचाने के लिए पराजित गोरखाओं को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का वचन दिया था, जिससे कि वह पुनः आक्रमण न करें। लेकिन फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने भयंकर आपदा जो भूकंप की से त्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था और इसके काफ़ी भाग को कब्जा लिया था।
गुरखाओं के आक्रमण के दौरान गढ़वाल की जनता ने भी राजा का पूर्ण सहयोग दिया और राजा प्रद्युम्न शाह ने सहारनपुर में अपने सभी आभूषणों को बेचकर सेना को पुनः संगठित किया। 14 मई 1804 में देहरादून के खुरबुड़ा मैदान पर गोरखों से हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया था। इनके एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया था, जबकि दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह ने हरिद्वार में रहकर अपने स्वतंत्रता के प्रयास किए। इनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी थी और युद्ध के उपरांत 1815 के शुरुआत में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वायदे के मुताबिक गढ़वाल नरेश द्वारा अंग्रेजों को युद्ध का 7 लाख रुपए व्यय अदा न करने के कारण अंग्रेजों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर अपना आधा अधिकार कर लिया था और विवश होकर सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की थी। इनके वंशज 1 अगस्त 1949 तक टिहरी गढ़वाल पर राज करते रहे थे तथा भारत के विलय के बाद टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया था। पवार राजाओं के काल में मानोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय आदि काव्य रचे गए थे। इनमें सबसे प्राचीन राजा मानशाह के समय का काव्य मानोदय है, जिसकी रचना भरत कवि ने की थी। आगे देखते हैं प्रद्युम्न शाह के बाद के गढ़वाल नरेश। प्रद्युम्न शाह के बाद सुदर्शन शाह ने शासन किया था। इनके समय में गढ़वाल का विभाजन हुआ था। 28 दिसंबर 1815 को राजधानी श्रीनगर से टिहरी में स्थानांतरित की गई थी। आगे देखते हैं भवानी शाह ने शासन किया था 1849 से 1871 के मध्य। इसके बाद प्रताप शाह ने 1871 से 1886 के मध्य शासन किया था और इनके ही शासन में टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। कीर्ति शाह ने 1886 से 1913 के मध्य शासन किया था और 1898 में इनके शासन में अंग्रेजों ने इन्हें CSI की उपाधि प्रदान की थी। नरेंद्र शाह ने इनके बाद शासन किया था 1913 से 1946 के मध्य और इनके समय में प्रजामंडल की मांग में जन आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था व रियासत को समाप्त करने की मांग की गई थी। इसके पश्चात 1946 से 1949 के मध्य मानवेंद्र शाह ने शासन किया था। इनके समय में भारत के स्वतंत्र हो जाने के कारण स्वतंत्रता की मांग और आंदोलन हुए थे। फरवरी 1948 में प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तथा अगस्त 1949 को भारत में विलय व उत्तर प्रदेश का एक जिला इसे बना दिया गया था। इस वंश का प्राचीनतम ताम्रपत्र राजा जगतपाल का है, जो कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला है और इसका समय है 1455 ईस्वी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।